दोस्तों आज हम जानेंगे कि अनजान में किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे करें, क्योंकि प्रतिदिन हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ अनजान में कोई ना कोई जीव जंतु अचानक खत्म हो ही जाते हैं। जैसे अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमारे पैर के नीचे आके कई ऐसे जीव होते हैं, जैसे चींटियाँ हो गई, और चींटियों से भी छोटे छोटे जीव होते हैं, और ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि पैर के नीचे आके ख़त्म हो जाते हैं, हमारी गाड़ी के नीचे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो उन सब के पाप के प्रायश्चित के लिए हमको क्या करना चाहिए, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। श्रीमद भागवत जी के पंचम स्कंध में महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर लिया। भगवान बोले, आपने पंचम स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई हो, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव हमारे सांसों के माध्यम से मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलती है तो लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं, और ऐसे कई पाप अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। आचार्य सुखदेव जी ने राजन से कहा कि हमें ऐसे पाप की मुक्ति के लिए हमें प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, यदि एक यज्ञ करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव कल्याण में कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि ये यज्ञ आप घर ही में कर सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि अगर अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो ये यज्ञ रोज करें। उन्होंने कहा, राजन सुनो, पहला यज्ञ, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ, राजन चींटी को 10-5 ग्राम आटा वृक्षों की जड़ों में डालकर प्रतिदिन देना चाहिए। तीसरा यज्ञ, राजन पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ, भोजन बनाकर अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। राजन अतिथि सत्कार खूब करें, कोई भिखारी आए तो उसे जूठा अन्न ना दे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ये कहा कि राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसे यज्ञ ना हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या द्वारा प्रायश्चित करता है तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सदैव कभी कभी या किसी भी समय सोते जागते उठते बैठे राम नाम रटते रहना चाहिए। दोस्तों दुनिया में हर किसी से अनजाने में कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, पर अगर आप छोटे छोटे ये उपाय करेंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा और आप उन सभी पापों से मुक्ति पा जाएंगे जो कि आपके माध्यम से अनजाने में होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप रोटी घर में बनाएं तो एक रोटी गाय के लिए निकाल दें। जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आटा ले लें, और मछलियाँ जहाँ भी तालाब दिखाई दे, नदी दिखाई दे, तो आप वहाँ पर जाके मछलियों को आटा डालाएं। अदरवाइज अगर आपको पीपल का वृक्ष आपके यहाँ लगा है, कोई ऐसा वृक्ष है जहाँ पर खूब सारी चींटियाँ हैं, तो वहाँ पर थोड़ा मुट्ठी भर जाके आटा डालाइए। और रही बात अग्नि को भोग लगाने की, तो जब भी आप खाना बनाएं तो उसमें से थोड़ा सा रोटी, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ लें और रोटी में घी और थोड़ा सा शक्कर मिला के अग्नि को भोग लगा दें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आप वो सभी पापों से मुक्ति पा जाएंगे जो कि अचानक हो जाते हैं, जिसका मतलब हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे पैर के नीचे आके कोई चींटी मर गई है, हमारे हाथ से हमारे सांस लेने के माध्यम से बहुत सारे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, वो सारे पापों से आप मुक्ति पा जाएंगे। अगर आपको ये छोटा सा यूजफुल कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह प्रतिदिन हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।